हेलो गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। गर्ल्स, अगर आप चाहती हैं कि आपको एक अफोर्डेबल फाउंडेशन मिले जिसके आपको HD रिजल्ट्स भी मिले, वो आपको अफोर्डेबल भी मिले और आपको कंपैरिजन टू क्रियोलॉन टीवी पेंट स्टिक उसको सेम वैसे आपको रिजल्ट मिले, जो कि फोटो फिनिश आपको रिजल्ट दें, सिनेमा फिनिश दें और टीवी आपको टीवी वाला रिजल्ट दें, जैसे कि आपको मॉडल्स के मेकअप नज़र आ रहे होते हैं, फोटोशूट्स जो नज़र आ रही होती हैं और प्रोफेशनली जो आपको रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो गर्ल्स ये वीडियो आज आपके लिए है और ऐसी ही फाउंडेशन मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगी जिसके आपको HD रिजल्ट भी मिलेंगे और वो बहुत अफोर्डेबल ब्रांड है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। ऑनेस्टली आपके साथ बहुत अच्छा इसका रिव्यू शेयर करूंगी और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा इसके साथ जो रिलेशन है ग्लैमरस फेस के साथ, ये तकरीबन 3-4 साल से है और 3-4 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो गर्ल्स, आज मैं इसके सारे बेनिफिट्स और इसके साइड इफेक्ट्स वो मैं आपके साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि आप इस बेस से कैसे एक ब्राइडल बेस बना सकती हैं, परफेक्ट बेस बना सकती हैं। तो गर्ल्स, इसकी ये HD फाउंडेशन है सिनेमा प्लस टीवी, जैसे हमारी क्रियोलॉन की टीवी पेंट स्टिक है, वो टीवी पेंट स्टिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सिनेमा और कैमरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है, हमारी फोटो फिनिश के लिए परफेक्ट होती है। और दूसरे नंबर पर क्लेम है इनका कि ये लॉन्ग लास्टिंग है और SPF 15 है इसके अंदर और ये स्वेट प्रूफ है। तो गर्ल्स, इसमें कोई शक नहीं है कि जो जो इन्होंने बातें बोली है वो बिल्कुल जो है ना 100% बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट बात है। स्वेट प्रूफ भी है क्योंकि मैंने इसे विंटर्स में भी यूज़ किया है, इसको मैंने जो है समर में भी यूज़ किया है, विंटर के अकॉर्डिंग भी ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मैनेजेबल है और स्किन में एब्जॉर्ब भी जल्दी हो जाती है, आपके कोई पैचेस वगैरह नहीं छोड़ती। और इसी तरह अब गर्मियों में भी ये बहुत अच्छी है, बिल्कुल वाकई स्वेट प्रूफ है। और अगर आपको कोई स्वेटिंग वगैरह थोड़ी बहुत हो भी तो इसको जो है वो एडजस्ट करना बहुत ईजी है। तो चलिए जल्दी से मैं अब आपको इसके स्वाचेस चेक करवाती हूँ और बाकी जी इसका नंबर मैं आपको बता दूँ तो इसका शेड है G2। ये फेयर टोन के लिए है, ये मीडियम फेयर टोन के लिए, यानी जैसे मेरी येलोइश टोन है ये उस टोन के लिए बेस्ट है, यानी कि अगर आप कोई और फाउंडेशन लेते हैं उसमें आइवरी शेड लेते हैं तो ये इसका आइवरी शेड होगा और इसमें ये 2 नंबर बेस्ट है। अब बात कर लें पैकेजिंग की, पैकेजिंग ये ग्लास बॉटल है इसकी और बहुत अच्छी पंप इसका है लगा हुआ, ये यूज़ कर करके, सॉरी आप बोलेंगे कि बहुत गंदी की हुई है, तो ये आजकल इसका यूज़ बहुत ज़्यादा था तो बहुत ज़्यादा हाथों में ये जाने की वजह से इस तरह इसकी कुछ कंडीशन हो गई है। तो गर्ल्स, अब मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर ये मेरा एक स्टेन है, यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर निशान है और इसको ये कैसे हाइड करेगा, अभी मैं आपको लाइव चेक करवाती हूँ। मैं यहाँ पर ये अप्लाई करूँगी, जितनी आपको चाहिए आपने उतनी क्वांटिटी लेनी है, ये आपको लो कवरेज भी देगा, मीडियम कवरेज भी देगा और हाई कवरेज भी देगा। तो गर्ल्स, इस तरह आपने ये अप्लाई कर लेनी है, जैसे आपको इजी लगता है आपने पहले अप्लाई कर लेनी है और अप्लाई करके आपने ऐसे छोड़ नहीं देना, इसको आपने एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए आपने अपना स्पंज लेना है, स्पंज आपने गीला कर लेना है, वेट स्पंज से आपने इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। सेटिंग करने के बाद ही आपको इसके फाइनली रिजल्ट मिलेंगे। ये आप देखें कि ये आपको थोड़ी सी मीडियम कवरेज दे रहा है, जितनी आप इसको थोड़ी क्वांटिटी अगर ज़्यादा कर देंगी तो ये आपको थोड़ी हाई कवरेज की तरफ लेके जाएगा, लेकिन बिलीव मी इससे एक बहुत अच्छी HD फाउंडेशन का रिज़ल्ट आता है। अब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अफोर्डेबल फाउंडेशन मिले और आपको रिज़ल्ट भी उसके हाई एंड ब्रांड्स की तरह मिलें, तो गर्ल्स ये मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि ये एक अफोर्डेबल ब्रांड है और बहुत अच्छी ब्रांड है। अफोर्डेबल में आप ऐसे कर सकती हैं कि अगर आपके पास, या जाहिर है हमें एक कंप्लीट पैकेज चाहिए होता है जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हमें एक परफेक्ट फाउंडेशन चाहिए, हमें एक परफेक्ट कॉम्पैक्ट पाउडर चाहिए, लूज़ पाउडर भी अच्छा चाहिए, तब हमारी जाके मेकअप जो है वो बेस हमारी सेट होती है, अच्छे से सेट होती है, जो हमें प्रोफेशनली रिज़ल्ट देती है। तो अगर प्रोफेशनली आप रिज़ल्ट चाहती हैं तो आपने ये, जैसे कि ये नॉर्मल है, ये आपको 600 से 700 की रेंज में आपको ये मिल जाएगी, मे बी इसके अब रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हों, आपको ये 800, फिर भी मैक्सिमम आपको ये 800 की मिल जाएगी।
सो गर्ल्स कंपेयर टू क्रेलॉन टीवी पेंट स्टिक ये आपको 800 में मिलेगी, 800 तक मिल जाएगी मैक्सिमम। और वो तो आपको पता है कि क्रेलॉन की टीवी पेंट स्टिक वो आपको इस टाइम 3200-3300 इस रेंज में आपको मिलेगी। तो अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते, आपको एक अफोर्डेबल फाउंडेशन चाहिए, तो ये बहुत बेस्ट है, ये आपको HD रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर आप सोच रही हैं कि अगर आप इसको जस्ट फाउंडेशन अप्लाई करके एज इट ऐसे छोड़ देंगे और आपको ये बिल्कुल स्वेट प्रूफ देगी, तो ऐसा नहीं है। कोई भी अगर आप अच्छी से अच्छी ब्रांड भी कर ले, हाई एंड ब्रांड्स की तरफ भी जाएं, तो आपने फाउंडेशन के बाद आपने अच्छा कोई कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर आपने मस्ट अप्लाई करना होता है, जिससे हमारी बेस जो है वो फिक्स होती है, एक अच्छी बेस आती है। और आपने भी ऐसे ही करना है, आपने एक अफोर्डेबल अगर यूज़ किया है फाउंडेशन, आपने उसे पहले अच्छी तरह से लगा कर सेट कर लेना है। सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने कोई सा भी अपना अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर ले लेना है। अगर आपके पास ग्लैमरस फेस का ट्विन केक हो जाए, जो वेट फॉर्म में भी और ड्राई फॉर्म में भी यूज़ होता है, अगर वो हो जाए तो वो भी बेस्ट है, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है। तो अगर जाहिर बात है कि अगर ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएँ, फाउंडेशन भी और कॉम्पैक्ट पाउडर भी, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, और वाकई आपको हाई एंड रिजल्ट ही मिलेंगे। और आप उससे फिर ये कि आप बिल्कुल परफेक्ट एक अच्छी बेस खुद बना सकती हैं, चाहे तो आप ब्राइड भी खुद बना सकती हैं और पार्टी मेकअप भी जबरदस्त सा खुद कर सकती हैं। सो गर्ल्स, अगर आपने कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं अप्लाई किया, फिर भी अगर आप इसको टच करेंगी तो ये आपकी थोड़ी बहुत क्रीज होगी, ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कोई फिक्सर अप्लाई कर देती हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर कुछ भी अप्लाई करती हैं, तो ये आपको, अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, तो फिर आप देखिएगा कि इसके रिजल्ट जो है वो 100% हो जाएंगे। गर्ल्स, मेरे पास है लोरियल का ट्रू मैट कॉम्पैक्ट पाउडर। तो जैसे कि मैंने फाउंडेशन अप्लाई की है, इसके बाद आपने ज़रूर कॉम्पैक्ट पाउडर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आप ज़रूर, जैसे मैंने 2 नंबर शेड लिया है, तो आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, आपने अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग अपना शेड लेना है। सो गर्ल्स, आपने जो कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है, वो भी आपने फाउंडेशन की तरह अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपने यूज़ करना है। उससे यह कि आपकी बेस जो है वो फ्लॉलेस भी होगी, और आपकी जो बेस है और आपकी बेस ग्रे भी नहीं होगी, क्रीज भी नहीं होगी और बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, और इसी तरह आपकी 12 घंटे तक स्टे भी करेगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और स्वेट प्रूफ भी रहेगी। अब देखें इसका कमाल कि जैसे ही मैंने वो फाउंडेशन अप्लाई की थी, तो उससे एक स्मूथनेस नहीं आ रही थी। पहले जब मैंने सिंगल फाउंडेशन पे हाथ लगाया था, तो वो क्रीज हो रही थी, क्योंकि उसके ऊपर हमने कोई फिक्सर अप्लाई नहीं किया था। तो ये कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज़ पाउडर जो है, ये हमारे फिक्सर का काम देते हैं। तो ये देखें कि अब ये बिल्कुल मैं टच कर रही हूँ, ये बिल्कुल ख़राब नहीं हो रही, उतर नहीं रही, और ये बिल्कुल वाटर प्रूफ भी होगी। ओके, तो गर्ल्स, ये था आज का ज़बरदस्त सा ग्लैमरस फेस HD फाउंडेशन का रिव्यू। आई होप सो कि आपको ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे रिव्यू के साथ और इन्फॉर्मेटिव रिव्यू के साथ। टिल द नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।